लगता है सर के पास सिक्का नहीं, मैं दूं क्या सर? बॉस इन्होंने जीता है, आया बैटिंग हम करेंगे। रजाक गेंद करने जा रहे हैं, राइट आर्म ओवर द विकेट, और इस बॉल को कलाइयों के सहारे ग्लांस कर दिया खूबसूरती के साथ लॉन्ग लेग की तरफ। पापा जी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, इस बॉल पे छक्का लगाने वाले हैं। सामने बोलर देखा है कौन है? मुश्ताक, आप मजाक कर रहे हैं क्या? दिल पर हाथ रख लो, अब बहुत जोरों से धड़कने वाला है। काफी अच्छे गेंदबाज है, अगली बॉल। और वैसे आप ही अपने दिल पे हाथ रख लें, टूटने वाला है। या फिर ये कैच हो सकता है क्योंकि खिलाड़ी ठीक नीचे हैं, लेकिन ये बाउंड्री लाइन के बाहर छह रन के लिए। ये कैसे हुआ? आप जादूगर हैं क्या? जादूगर नहीं, जीनी हूं, जीनी। खूबसूरत लड़कियों की ख्वाहिशें पूरी करता हूँ। खूबसूरत शॉट निकलता हुआ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ से चार रन। बहुत माहिर खिलाड़ी हैं आप। खिलाड़ी था, अब पूरा खेल। काला चश्मा तुम पे काफी सूट करता है। मुझे किसी ने कहा था कि मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तभी से ये काला चश्मा पहन के रखता हूँ। Batsman is on 99. Papaji hits the ball high up in the air. Century kitne pass aur out. Hi Allah. Aaj ke match mein Allah interest nahi le rahe, main le raha hu. Century hoke rahegi Papaji ki. Ball seedha fielder ke haath mein ja rahi hai. Lagi shart. Kaisi shart? Wahan uske 100 hue, yahan 100 minute tum mere saath mere paas mein guzarogi. Kya? Tumhara dimag kharab ho gaya hai? मैं शादीशुदा। आउट, आउट। काश शर्त लगा लेती, मैं जीत जाती। तो अभी लगा लो। लग गई शर्त। देखो। नो बॉल। नो बॉल? नो। ये नहीं हो सकता। वो शर्त सिर्फ एक मजाक था। उसे सीरियसली मत लेना। मैं एक बार धंधे के पैसे छोड़ सकता हूँ, पर जीत का माल नहीं। आज रात पूरा का पूरा माल लेके घर आ जाऊँ। मुझे आज कहीं जाना। मैं जानता हूँ, आज रात आप और आपके पति समीर दीक्षित मेरे ही घर आ रहे हैं। तुम? शोएब, शोएब है नाम मेरा। मेरे घर एक छोटी सी दावत है, दावत आपके पति मनाएंगे, उड़ाऊंगा मैं। तुम हो, मैं हूं, तुम्हारी काली साड़ी और अंदर के सब कपड़े लाल। समीर। हाय भाई। आपकी बीवी कमाल की है, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी बीवी। आखिर बीवी किसकी है सर? आखिर बीवी तो आप ही की है। कहाँ है इस वक्त? बाहर होगी, अब हमारे साथ यहाँ जेंट्स टॉयलेट में थोड़ी ना आएगी। सही बात है, आपके साथ जेंट्स टॉयलेट में क्या करेगी? एग्जैक्टली। चलिए आप चलिए, मैं हाथ धो के आया। सी यू। अरे वर्धन भाई, आप क्यों खड़े हो गए? आपके आने पर तो हम खड़े हुआ करते थे। और वैसे भी मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है कि अब मेरे आगे कोई नहीं खड़ा होगा। बैठो जावेद। यह तो सुल्तान का नक्शा है। और यह है शोएब की बंबई। यह नक्शा क्या कोयले से बनाया है? सारा काला कर रखा है। हमारा इलाका कौन सा है? वर्धन भाई, हमको यहां जलाने के लिए बुलाया है क्या? यह बड़े बड़े फैसले तुम्हारे समझ के बाहर है। साफ जाहिर है, एक रंग एक राजा। अगर ये फैसला हमें मंजूर ना हो तो? अगर किसी को भी लगता है कि वो मुझसे दो कदम आगे है तो ये रही बंबई, चढ़ा लो इस पे अपना रंग
लेकिन एक बात याद रखना, जितने मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं वो साले कब्र में पैर फैला के लेटे हुए हैं। सुल्तान के बाद अगर बंबई पे कोई राज कर सकता है वो है सिर्फ शोहेब। अरे सुल्तान ने शहर के 5 हिस्से किए थे। सुल्तान बहुत अच्छा आदमी था। मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है। सुना है ऊपर वाला अच्छे लोगों को बहुत जल्द अपने पास बुला लेता है। मुझे तो लगता है इसका जन्मदिन भी नहीं है। हमें बुला के सब कुछ ले लिया, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। क्या रे तेरा मेरा करता है, सब कुछ मेरा है। पर ऐसा नहीं कि तुम लोगों को अपना हिस्सा नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। तुम्हारे सारे धंधों का हिसाब आज से हम रखेंगे, पर किसी का हक नहीं मारेंगे। बाकी की जिंदगी इज्जत और आराम से कटेगी, जितना कमाते हो उससे ज्यादा ही मिलेगा। वर्धन भाई, ये रावल कहाँ है? मैं समझा दूंगा उसे, वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाएगा। रावल मान गया तो ठीक है, वरना गलत काम तो मैं बचपन से करते आ रहा हूं। भाई कल को ज्यादा तो नहीं हो गया? जावेद 10 साल लगे हैं इस वक्त को खड़ा करने के लिए, इतनी पावर और पैसा जमा करने के लिए कि कोई सामने चू करने से पहले 2 बार सोचेगा। मुझे बंबई का एक हिस्सा नहीं चाहिए, पूरी की पूरी बंबई चाहिए। अब अगर दान किया तो धंधा बुरा मान जाएगा। ये क्या हो रहा है भाई? शैतान साला बम से भी नहीं मरा। अब गांव जाओ, भेष बदलो, बुर्का पहनो, मंदिर के बाहर भिखारी बनके बैठ जाओ, लेकिन पकड़े मत जाना। हाँ, अगर अपना एक भी आदमी पकड़ा गया ना तो हमारे घर में सिर्फ औरतें बचेगी, बस औरतें। रिलैक्स। व्हाट रिलैक्स? रिलैक्स डार्लिंग, तुम बेकार ही डर रहे हो। शोएब के कितने दुश्मन हैं, और बम पर तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिखा था। उसे कैसे पता चलेगा कि हमले के पीछे तुम ही हो? यह कमीनी हरकत रावल के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन वो साला ये भूल गया है कि जो खेल उसने शुरू किया है खत्म मैं ही करूंगा। वो आपके बंबई में नहीं होने का फायदा उठा रहा है, उसे लगता है वो वहां पे महफूज है। मच्छर जिसका खून पीता है साला मरता भी उसी के हाथों है, और उसके लिए मच्छर का हाथ में आना भी जरूरी है। जावेद, बंबई की ऐसी कोई चीज नहीं है जो शोएब के पहुंच के बाहर हो। क्या मतलब? मतलब ये कि बहुत दिनों बाद बंबई ने मुझे अपनी बाहों में बुलाया है। अब देखना ये है कि वो गले लगाती है या फिर गला काटती है। मुमताज घर से बाहर आ चुकी है। फॉलो हर, मुझे एक मूवमेंट की खबर चाहिए। चलो।
टैक्सियां कहीं से आ गई हैं, और सर सभी में काली कुर्ते वाली औरत बैठी है। टैक्सी नंबर क्या मेरा बाप नोट करता, किया क्यों नहीं? तुमने ये क्या है? सर सभी टैक्सी का नंबर भी एक ही है। शाबाश, एक काम करो, वर्दी का बिल्ला बदल लो और टैक्सी चलाना शुरू कर दो। तुम्हें यह खुद नहीं आना चाहिए था, पूरी बंबई की पुलिस तुम्हारे पीछे पड़ी है। मीटर कितना भी तेज भाग ले, टैक्सी से आगे नहीं भाग सकता। तुम बिल्कुल नहीं बदले। 12 साल 6 महीने 15 दिन, याद है तुम्हें? अच्छी तरह याद है। रास्ते पे ध्यान दो, ये बदल गए हैं। ये बंबई भले ही कुमकुम से किमी काट कर हो गई है, पर आज भी आंखें बंद करके तुम्हें आधी बंबई घुमा सकता। जब तक मैं बंबई में हूं, तुम ऊपर दूसरे माले पे रहोगी। तुमने फैसला किया है तो ठीक ही होगा। पुलिस को घुमा के आराम से बैठेंगे। जी भाई। असलम कहाँ है भाई? वो अंगड़िया लोग नहीं है जो हीरो की स्मगलिंग करते हैं, तो असलम गए उनकी फील्डिंग करने के लिए। कहता है जब चैलेंज मिलता है तो वो चार्ज हो जाता है। मरने की बहुत जल्दी है क्या? अभी तो मेरी एंट्री हुई है, डीएम लाने में बहुत टाइम बाकी है दोस्त।
लूट भी लिया और बचा भी लिया। मैं एक दिन में दो गलत काम नहीं करता। तेरा कुछ समझ में नहीं आया भाई। असलम को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल लगता है। साले डेटा। अरे क्या कर रहा है असलम? हाँ? अबे कितने बार बेल कराऊंगा तुझे? पिछले जन्म में लगता है तू मेरी बीवी था। जब देखो खर्चा करवाता रहता है। चल छोड़ना यार, एक दिन सब साथ में चुका दूंगा, ठीक है? चल आजा। अकबर बेल, सलामुलेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ मतलब शोएब भाई बम्बई में? और तुमको बुलाया है। चल डेटांग। सिर्फ तुमको। माफ करना भाई, खाली हाथ दुआ सलाम करने में मजा नहीं आता, इसलिए थोड़ी देर हो गई। इन चमकते हुए पत्थरों को देखकर औरतें गलतियां माफ कर देती है, शोएब नहीं। क्या गलती हुआ भाई? मैं यहां शाबाशियां बांटने नहीं आया हूं, किसी को शांत करने आया हूं। पुलिस के कानों में बहुत शोर मचा रखा है उसने। कौन है भाई? आप आवाज करो, बहुत जल्द उसकी आखिरी चीख आपके कानों में होगी। डाल दे सारा का सारा लोहा उसका तार में। कौन है भाई? नहीं भाई, या तो आपके हाथ फोटो गलत लगी है या फिर इंफॉर्मेशन। मैं यहां तक गलतियां करके नहीं पहुंचा हूं असलम। ये जो तेरा दोस्त है ना, बार बार इसलिए अरेस्ट नहीं होता है कि साला पुलिस का भैनोई है। ये इसलिए वहां जाता है ताकि हमारी इंफॉर्मेशन दे सके। साला पुलिस का कवरी। सलाम भाई। तू दो नाव पर खड़ा है असलम, आज देखना यह है कि किसका हक अदा करता है, दोस्ती का या फिर नमक का। जा जा। डेटांग, भरोसा कमाने में एक उम्र लग जाती है और गवाने में एक मिनट भी नहीं लगता। बराबर बोला। नाम अपना बड़ा ना हो पर हमने काम कभी छोटे नहीं किए। बराबर बोला। जिस आदमी ने हमारे सर पर हाथ रखा, तूने उसी आदमी का हाथ काट लिया। ए, क्या बोल रहा है? हमारे धंधे की एक सेइंग है, जान से ज्यादा यहां जुबान की कीमत है, और वही जुबान तू पुलिस को बेचकर आया। क्या? बोल! ए, क्या कर रहा है? तूने 3 साल की दोस्ती पर मिट्टी डाल दी। शोएब भाई के खिलाफ जाने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे लगता है मैं गद्दारी कर सकता हूँ? शोएब भाई ने बोला तू गद्दार है तो तू गद्दार है। ए असलम, पड़ गया ना एहसान भारी दोस्ती पर। अगर तेरा दिल मेरे खिलाफ है ना, तो सीधा दिल पे गोली मार। यहाँ मारना, यहाँ मार, मारना, मार। शोएब भाई, दिमाग झूठ पर चल सकता है पर दिल नहीं। डेटांग मेरी परछाई है, अगर ये गद्दार है तो सजा मुझे मिलनी चाहिए। ए, ए असलम, क्या कर रहा? असलम नहीं। कौन कहता है कि जुआ किसी का नहीं हुआ? तुम दोनों पे जो खेला था
आज पूरा पैसा वसूल हो गया। लेकिन भाई आप हलीगन लेकर क्यों घूमते हो? असलम, शोएब को अगर कोई समझ पाए तो सिर्फ शोएब, बाकी सब तो अंदाजा लगाते रहते हैं। मेरा नाम ही काफी है लोगों के पसीने छुड़ाने के लिए। पीने की कैपेसिटी, जीने की स्ट्रेंथ, अकाउंट का बैलेंस और नाम का खौफ कभी भी कम नहीं होना चाहिए। सुबह की पहली लोकल से लेकर रात की आखिरी बोतल तक हर आदमी की जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होना चाहिए, रावल। लग जाओ सब लोग धंधे पर।